आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। गोलमुरी के अमनदीप को आपसी विवाद के बाद पति ने मारी गोली, परिजनों ने पहुंचाया MGM अस्पताल। लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर पहुंचे जमशेदपुर, उपायुक्त और DDC के साथ की समीक्षा बैठक। सरयू राय ने झारखंड प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी के खिलाफ खोला मोर्चा। जमशेदपुर के गोलमुरी थाना अंतर्गत रामदेव बगान निवासी अमनदीप कौर उर्फ कोमल को उसके पति करण सिंह ने मंगलवार देर शाम विवाद के बाद गोली मार दी। घटना के बाद परिजनों ने अमनदीप को इलाज के लिए MGM अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज चल रहा है। अमनदीप के पैर में गोली लगी है। इधर सूचना पाकर DSP सिटी सुधीर कुमार मौके पर पहुंचे और अमनदीप से पूछताछ की। अमनदीप ने बताया कि उसने करण के साथ साल 2017 में प्रेम विवाह किया था। करण अपराधी प्रवृत्ति का है, जिस कारण वह अपने मायके में रहती है। करण पड़ोस में ही रहता है, अक्सर किसी न किसी बात को लेकर उन दोनों में विवाद होता रहता है। आज वह अपने 3 साल की बेटी के साथ मनसा पूजा के लिए बाजार जा रही थी, तभी रास्ते में ही करण ने रोका और मारपीट शुरू कर दिया। इस बीच उसने बंदूक निकालकर गोली चला दी। फिलहाल करण फरार चल रहा है। गोलमुरी थाना अंतर्गत रामदेव बगान में एक गोली चलने की सूचना प्राप्त हुई, जिसके अनुसंधान में पाया गया कि अमनदीप कौर उर्फ कोमल को पैर में गोली लगी है। अमनदीप ने बताया कि उसके पति करण सिंह के द्वारा उसको गोली मारी गई है। दोनों में आपस में कुछ अलगन था, जिससे करण ने घटना लगा। एक राउंड की गोली है जो कि पैर के तलवा में लगी। लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के रवि कुमार जमशेदपुर पहुंचे। उन्होंने सर्किट हाउस में उपायुक्त अनन्य मित्तल, DDC मनीष कुमार के साथ समीक्षा बैठक की। इसमें बूथ स्तर पर किस तरह से तैयारी की जा रही है उसकी जानकारी ली। साथ ही उन्होंने मतदान केंद्रों और बूथों में भी जाकर स्थिति का जायजा लिया। इसे लेकर उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि जमशेदपुर में चुनाव को लेकर जो तैयारी की जा रही है उससे वे संतुष्ट है। उन्होंने यह भी कहा कि मतदान बूथों पर ही होता है, इसलिए उसकी भी जमीन स्तर पर जाकर जायजा ले रहे हैं। इस बार बुजुर्गों को लाने ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा गर्मी को देखते हुए पानी और बैठने की व्यवस्था भी की जाएगी, ताकि मतदाताओं को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। अभी वो आगामी लोकसभा चुनाव का तैयारी का संबंधित समीक्षा के लिए जमशेदपुर आज भ्रमण किया, बाकी अभी बूथ का भी भ्रमण करेंगे। अभी तक कितना तैयारी देखा गया उसमें वो प्लानिंग का शेड्यूल है, कमीशन के एक शेड्यूल रहती है, शेड्यूल के अनुसार आज का तैयारी क्या करना वो तैयारी हो रही है। आज सुबह वो वेस्टिंग रूम में भी विजिट किया था उसने, इस तरफ से फील्ड में हम लोग क्या तैयारी है, अपने BLO क्या तक तैयारी, उनको जमीन तक इलेक्शन वोटिंग होना है बूथ में, वो बूथ तक क्या मैसेज कम्युनिकेट किया उसी संबंध में समीक्षा करवा रहे हैं। तैयारी संतोषजनक है और भी इम्प्रूव करने के लिए स्कोप है, उसमें हम लोग इम्प्रूव करेंगे। बूथ तक ले आने के लिए मतलब सिंपल क्लियर है, उसमें एक आपका PWD सीनियर सिटीजन है, उनके लिए तो हम लोग को कुछ ट्रांसपोर्ट व्यवस्था करवा रहा हूँ उसी को। साथ में बहुत सीनियर होंगे, बूथ नहीं आ पाएंगे, उनका होम वोटिंग का प्रोविजन करवा रहा हूँ। बाकी अदर वोटर्स के लिए बूथ में उनका कितना सुविधा चाहिए, एक गर्मी में मौसम में वोटर वोटिंग करवाने के लिए आपका परमानेंट शेड से टेम्प्ररी शेड भी लगा रहा हूँ उसमें, वहाँ बूथ पर उसका पानी की पिलाने के लिए व्यवस्था, बैठने के लिए कुर्सी, सब व्यवस्था इसी बार हम लोग का करा रहा है कमीशन के निर्देश से। सरयू राय ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक बैठक की, जिसमें कई विषयों पर विचार विमर्श किया गया। सरयू राय ने झारखंड प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी के खिलाफ मोर्चा खोला। उन्होंने कहा कि अब मैं ढुल्लू महतो के विषय में रोज नया खुलासा करूंगा। सरयू राय ने ढुल्लू महतो के बारे में चौंकाने वाले खुलासे किए। उन्होंने सवाल किया कि कैसे ढुल्लू महतो के बेटे ने 20 साल की उम्र में 2 करोड़ से अधिक की जमीन ली। अब भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश प्रभारी हैं, उन्होंने मेरे बारे में कहा है कि वो अपना ज्ञान अपने पास रखें, तो अपने ज्ञान कोष से कुछ सूचनाएं मैं उनके सामने आज रख दे रहा हूं कि अपने ज्ञान के अनुसार उसकी विवेचना करेंगे, बात करेंगे। ये सूचनाएं उनके धनबाद लोकसभा के घोषित प्रत्याशी के बारे में हैं। 2022 के जनवरी से अप्रैल महीने में उन्होंने
3 सेल डीड से अपने सुपुत्र के नाम पर 2,06,00,000 रुपए की जमीन खरीदी है। ये सभी जमीन धनबाद अंचल के नौवाडी मौजा में है। रजिस्ट्रेशन के बाद म्यूटेशन के लिए भी उन्होंने अप्लाई किया है, तो उसके रजिस्ट्रेशन का पूरा डीड मेरे पास है, मगर मैं आज प्रेस को इसके म्यूटेशन के बारे में सीओ के कार्यालय में जो गतिविधियां हुई हैं उनको मैं प्रसारित कर रहा हूं। 3 भूखंड हैं, तीनों भूखंड क्रेता कौन है, विक्रेता कौन है, मौजा क्या है, उसकी कीमत क्या है, ये सब को जोड़कर मैं आज एक रिलीज कर रहा हूं, प्रेस रिलीज। और ये ओपन प्रेस रिलीज है ताकि भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो झारखंड प्रभारी हैं उनके ध्यान तक भी ये बातें चली जाएं। तो अब ये बताना चाहिए कि जो लड़का, इस लड़के की उम्र उसमें 20 साल थी, 2 करोड़ रुपए उसके कहाँ से आए ज़मीन खरीदने के लिए, और ये सरकारी दर से खरीदा गया है और ICICI बैंक से चेक द्वारा पेमेंट किया हुआ है, ये ब्यौरा है। सभी जानते हैं कि शहरी इलाकों में सरकारी दर से काफ़ी महंगे बाजार दर पर ज़मीनें बिकती हैं, तो बाजार दर उस समय क्या था ये भी झारखंड भाजपा के प्रभारी पता कर लेंगे। मैंने तो चेक से जो पेमेंट हुआ है, स्टाम्प ड्यूटी दी गई है, उसका ब्यौरा उनके सामने में रख दिया है। और तब धनबाद में आकर सीना ठोक कर मां बहन करने की धमकी देकर उन्होंने जो बातें कही हैं, आज उन बातों पर वो कितना खरा उतरते हैं, यही मुझे देखना है। दोस्तों नमस्कार, मैं आनंद सिंह, ज्योतिष सम्राट, वास्तुशास्त्र सम्राट और तंत्र सम्राट। क्या आप लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत परेशान हैं? आप लोग का ज़िंदगी का समस्या का समाधान आप नहीं कर पा रहे हैं, जैसा कि हो सकता है कि आपका राहु का दोष हो, मंगल का दोष हो, शनि का दोष हो, या फिर आपका ग्रह नक्षत्र खराब है, या फिर आपका फैमिली में प्रॉब्लम हो, आपका फैमिली में किसी ने काला जादू कर दिया हो, या फिर हस्बैंड वाइफ का रिलेशन ठीक नहीं है, बच्चे का एडुकेशन का प्रॉब्लम है, शादी का प्रॉब्लम है, डिवोर्स का प्रॉब्लम है, प्यार मोहब्बत का प्रॉब्लम है, प्रॉपर्टी का प्रॉब्लम है, जॉब का प्रॉब्लम है, बिजनेस अच्छा से नहीं चल रहा, बिजनेस का प्रॉब्लम है, या फिर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज़ में है वहाँ पर भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, पॉलिटिकल क्षेत्र में वहाँ भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, दुश्मन बहुत हो गया है, दुश्मन से छुटकारा नहीं मिल पा रहा है, तो चिंता ना करें, आपका सब समस्या का समाधान है हमारे पास। हमारे इस दिए हुए नंबर पर आप हमसे जल्द से जल्द संपर्क करें। धन्यवाद। गोलमुरी स्थित कन्हैया स्टोर में झारखंड का इकलौता सिटी गोल्ड का ज्वेलरी शॉप खोला गया है। झारखंड में ऐसा पहली बार हुआ है कि सिटी गोल्ड के ज्वेलरी के नाम से झारखंड का सबसे बड़ा शोरूम गोलमुरी बाजार में खोला गया है। झारखंड में कहीं भी किसी भी क्षेत्र में ऐसे सिटी गोल्ड का इतना बड़ा शोरूम नहीं खोला गया है। सिटी गोल्ड के मालिक हरीश ने बताया कि महिलाओं की हर जरूरत और पसंद को देखते हुए ज्वेलरी की अलग अलग वेरायटी सिटी गोल्ड शोरूम में उपलब्ध है। हर डिजाइन, हर प्रकार की ज्वेलरी का ध्यान रखा गया है। यहाँ पहले ही दिन से ग्राहकों की भारी भीड़ लग रही है। सिटी गोल्ड शोरूम में महिलाओं की हर जरूरत का ख्याल रखा गया है, साथ ही 35% डिस्काउंट और ऑफर के साथ कोई भी महिला ज्वेलरी कई दिन पहनने के बाद भी अगर ज्वेलरी में कुछ कमी दिखाई दे तो उसे आधे दाम में वापस कर सकती है और नई ज्वेलरी की खरीदारी कर सकती है। अतः पहनने के बाद भी पसंद ना आए तो उसे ज्वेलरी को आधे दाम में वापस कर सकती है। सिटी गोल्ड की तरफ से प्रत्येक ज्वेलरी पर लाइफ टाइम वारंटी दी जा रही है। बहुत अच्छा लग रहा है शोरूम में आके, और यहाँ पर बहुत सारी वैरायटीज मिली मुझे, एंड सबसे बेस्ट पार्ट वाज दिस कि 35% ऑफ, एंड 35% ऑफ इतने झारखंड के बिगेस्ट शोरूम में, वो भी सिटी गोल्ड के, आई डोंट बिलीव। एंड इतने रीजनेबल रेट्स में भी 35% ऑफ, इट्स अनबिलीवेबल, एंड इट्स अ ब्लेसिंग फॉर द कस्टमर्स जिनको सिटी गोल्ड मिलती नहीं है। मुझे डिज़ाइंस बेस्ट लगे, बहुत डिज़ाइंस, एंड द बेस्ट पार्ट वॉज कि हम रिटर्न कर सकते हैं इन हाफ प्राइस, एंड 35% ऑफ तो उसमें भी है। सो वैरायटी, डिज़ाइंस एंड पॉलिसीज वगैरह जो भी हैं रिटर्न की, एंड रिटर्न ईजिली हो जाता है यहाँ पर, एंड सो कस्टमर्स आर
कस्टमर्स के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। आपको सिटी गोल्ड में बहुत अच्छा, वेरी नाइस, लवली शॉप इन गुलमोरी एंड वी आर स्पॉइल्ड फॉर चॉइस एंड इट्स सच अ ब्यूटिफुल शोरूम, वेरी नाइस एंड स्पेशली नाउ देयर आर सो मेनी यू नो गर्ल्स जनरली ऑफ फॉर मोर डिजाइन, नोबडी गोज फॉर प्योर गोल्ड बिकॉज ऑफ द प्राइस एंड एवरीबडी फॉरगेट गर्ल्स लेडीज एवरी वन यू नो गोज फॉर दिस दिस सिटी गोल्ड, इट इज वेरी नाइस, वेरी रीजनेबल एंड लवली, द डिजाइंस आर एकदम ऑसम, वी आर लकी दैट वी आर हैविंग दिस इन गोलमोर, वेरी नाइस क्वालिटी इज एकदम ए वन बेस्ट विशेष एंड लॉट ऑफ वेराइटी। आगामी 21 अप्रैल को इंडिया गठबंधन की न्याय उलगुनार महारैली रांची स्थित प्रभात तारा मैदान में आयोजित की गई है। इसको लेकर जिला झामुमो की एक बैठक सीताराम डेरा स्थित आदिवासी एसोसिएशन सभागार में आयोजित की गई। बैठक का नेतृत्व विधायक रामदास सोरेन ने किया। बैठक में पार्टी के केंद्रीय पदाधिकारी भी मौजूद रहे। बता दें इंडिया गठबंधन के अनुसार राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को केंद्र सरकार ने सोची समझी साजिश के तहत फंसाने का काम किया है और इसे इंडिया गठबंधन और झामुमो नहीं बर्दाश्त करेंगी। विधायक रामदास सोरेन ने कहा कि केंद्र सरकार ने केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर पूर्व मुख्यमंत्री सह झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष को फंसाया है और उनके खिलाफ अभी भी पुख्ता प्रमाण नहीं मिले हैं जिससे यह साबित होता है कि हेमंत सोरेन निर्दोष हैं। इसी कारण से इस महारैली का आयोजन किया गया है। वहीं जमशेदपुर लोकसभा सीट पर उम्मीदवार उतारने के सवाल पर उन्होंने कहा कि पार्टी इस पर विचार कर रही है, साथ ही कहा कि पार्टी के कैडर को ही पार्टी टिकट देगी। 21 अप्रैल को 20,000 से ज्यादा लोग हम लोग कुछ करेंगे, एक साथ यहाँ से रैली निकाल कर हम जाएंगे। इस जिला से 20,000 से ज़्यादा लोग वहाँ पर उस महारैली में पहुँचने का काम करेंगे हम लोग। और आज करीब करीब सभी प्रखंड पंचायत से लोग आए हुए हैं, हमारे यहाँ बड़े पदाधिकारी भी पहुँचे हुए हैं, हमारे यहाँ सब विधायक भी पहुँचा रहे, विधायक हम लोग उपस्थित हैं और एक विधायक हमारे बड़ा गुड़ा के, उसको जिम्मेवारी दिया गया है उड़ीसा का, उड़ीसा निकल चुके हैं इसलिए अभी तक नहीं पहुंचे हैं, लेकिन सारे विधायक को आज यहाँ रहने का जिम्मेवारी हम लोग आपस में बांटने का काम हम लोग कर रहे हैं। केला पब्लिक स्कूल गमहरिया के सभागार में आयोजित कक्षा 11वां की ओरिएंटेशन मीटिंग आज संपन्न हुई। केला पब्लिक स्कूल में पहले 10वीं तक की पढ़ाई होती थी, अब ICSE द्वारा कला विज्ञान तथा वाणिज्य संकाय के छात्रों को अवसर प्रदान किया जा रहा है। आज के ओरिएंटेशन में 11वीं के विद्यार्थियों के साथ उनके अभिभावक भी मौजूद थे। विद्यालय की प्राचार्य ने विद्यार्थियों को विद्या ददाति विनियम के गूढ़ अर्थ के साथ विद्यालय की नियमावली को बताया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई। विद्यालय के डायरेक्टर शरद चंद्रन एवं अकेडमिक डायरेक्टर लक्ष्मी शरद ने छात्रों को संबोधित किया। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय के उपप्राचार्य ने धन्यवाद ज्ञापन किया। It is something that has happened after years. You know, KPS Gamaria started way back in the late 90s. From the 90s till 2024, a lot of waters have flown in the rivers. A lot of things have happened. A lot of challenges faced. And we are here today because of the hard work of our senior leaders, our founder, late founder, chairman, Sri A.P. Nair, the hard work of our founder, vice chairperson, Sri Mrs. Vijayamkarta. You heard her speak right now. Whatever we are enjoying today, we are basking in the hard work of all these senior leaders. And today you are at the threshold of taking forward and creating a new legacy, the legacy of the first plus two badge of KPS Gamaria. Each one of you become an agent of positive change. He did not expect you to get a 99%. He did not expect you to do big things, do small things in the most beautiful way, the most efficient way. Now, having said this, आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SACN News की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।